आज भारतीय नौसेना दिवस है। आज का दिन भारतीय नौसैनिकों की बहादुरी को समर्पित है। साल 1971 में आज ही के दिन हमारे नौसैनिकों ने कराची बंदरगाह को बर्बाद कर दिया था, जिसकी आग 7 दिनों तक पाकिस्तानियों के दिल जलाती रही। नमस्कार, मैं हूं नीलम त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अमर उजाला .com। भारत पाकिस्तान के बीच 1971 की लड़ाई शुरू होने से 2 महीने पहले अक्टूबर 1971 में तत्कालीन नौसेना अध्यक्ष एडमिरल एस एम नंदा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने गए। नौसेना की तैयारियों के बारे में बताने के बाद उन्होंने इंदिरा गांधी से पूछा, अगर नौसेना कराची पर हमला करे तो क्या इससे सरकार को राजनीतिक रूप से कोई आपत्ति हो सकती है? इंदिरा गांधी ने हाँ या ना में जवाब देने के बजाय सवाल पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। नंदा ने जवाब दिया कि 1965 में नौसेना से खास तौर से कहा गया था कि वो भारतीय समुद्री सीमा से बाहर कोई भी कार्रवाई ना करे, जिससे उसके सामने कई परेशानियां उठ खड़ी हुई थी। इंदिरा गांधी ने कुछ देर सोचा और कहा, वेल एडमिरल, इफ देयर इज अ वॉर, देयर इज अ वॉर, यानी अगर जंग है तो जंग है। इंदिरा गांधी की तरफ से प्रतिक्रिया पाकर कराची पर हमले की योजना बनाई गई और 1 दिसंबर 1971 को सभी पोतों को कराची पर हमला करने के लिए सील लिफाफे में आदेश दे दिए गए। भारतीय नौसेना का पूरा वेस्टर्न फ्लीट 2 दिसंबर को मुंबई से कूच कर गया। उनसे कहा गया था कि युद्ध शुरू होने के बाद ही वो उस सील लिफाफे को खोले। योजना थी कि नौसेना बेड़ा दिन के दौरान कराची से 250 किलोमीटर के वृत्त पर रहेगा और शाम होते होते उससे 150 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाएगा। अंधेरे में हमला करने के बाद पौ फटने से पहले वो अपनी तीव्रतम रफ्तार से चलते हुए कराची से 150 किलोमीटर दूर आ जाएगा, ताकि पाकिस्तानी बम वर्षकों की पहुंच से बाहर आ जाए। हमला भी रूस की ओसा क्लास मिसाइल बोट से किया जाएगा। वो वहां खुद चलकर नहीं जाएगी, बल्कि उन्हें नायलॉन की रस्सियों से खींचकर ले जाया जाएगा। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत पहला हमला निपट, निर्घट और वीर मिसाइल बोट्स ने किया। प्रत्येक मिसाइल बोट 4-4 मिसाइलों से लैस थी। स्क्वाड्रन कमांडर बबरू यादव निपट पर मौजूद थे। बाढ़ की शक्ल बनाते हुए निपट सबसे आगे था, उसके पीछे बाईं तरफ निर्घट था और दाहिनी छोर से वीर ने संभाला हुआ था। उसके ठीक पीछे INS किल्टन चल रहा था। बारी बारी से कराची के बंदरगाह पर आक्रमण किए गए। पाकिस्तान के PNS खैबर, वीनस चैलेंजर, किमारी तेल टैंकर्स, माइन स्वीपर PNS मुहाफिज तुरंत पानी में डूब गए। शाहजहां को नुकसान पहुंचा और पाकिस्तानी वायुसेना ने एक अपने ही पोत PNS जुल्फिकार को भारतीय युद्ध पोत समझते हुए उस पर बमबारी कर दी। 8 दिसंबर 1971 INS विनाश पर कमांडिंग ऑफिसर विजय जीरत के नेतृत्व में 30 नौसैनिक कराची पर दूसरा हमला करने की तैयारी कर रहे थे, जिसका नाम ऑपरेशन पाइथन रखा गया। हालांकि इस मिशन के दौरान बोट की बिजली चली गई थी, लेकिन समय पर बिजली आने पर भारतीय नौसैनिकों ने फिर हमला किया। इस बार किमारी तेल डिपो को पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया गया, जिसकी आग की लपटों को 60 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता था। कराची के तेल डिपो में लगी आग को 7 दिनों और 7 रातों तक बुझाया नहीं जा सका। अगले दिन जब भारतीय वायुसेना के विमान चालक कराची पर बमबारी करने के लिए गए, तो उन्होंने रिपोर्ट दी कि एशिया का सबसे बड़ा ये बॉनफायर था। कराची के ऊपर इतना धुआं था कि 3 दिनों तक वहां सूरज की रोशनी तक भी नहीं पहुंच सकी थी। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज अमर उजाला को जरूर लाइक करें, और अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल अमर उजाला वीडियोस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।